नमस्कार, हम इस वक्त है बलेटवा गांव में और यहाँ है महादेव का बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर जिसका नाम है मणकारेश्वर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर कार्य की शुरुआत जो है गणपति से होती है, तो हम इस पूरे मंदिर के दृश्य आपको दिखाएंगे और एक एक मूर्ति का आपको दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले हमारे प्यारे गणपति जी यहाँ पे है द्वार पे विराजमान। उसके बाद हमें मेरे साथ ये भैया है। अच्छा। ये बताएंगे आपका नाम। मेरा नाम दिनेश भाई है और मैं वड़ताल का रहने वाला हूँ। और ये जो मन कामेश्वर मंदिर है भगवान का, बहुत बढ़िया मनमोहक है। सभी मूर्ति है भगवान का अलग, जो यहाँ जो मतलब सावन मास आता है तो बहुत गिरती रहती है, बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं। और इसका नाम ही मन कामेश्वर महादेव है। जो आप मनोकामना होती है, आप मन से जो इच्छा करते हैं वो आपकी पूर्ण होती है। तो अब हम चलते हैं अगली मूर्ति जो है, इससे शुरुआत करेंगे और ये पूरी यात्रा करेंगे। हमें भगवान है उनके जो उसमें से अलग है, पंथ पड़ा था वो जो BAPS बोलते हैं, उनका प्रतिमा है। प्रमुख स्वामी महाराज है, गुणातीतानंद स्वामी है, वो उनका ये जो प्रतिमा है वो स्वामीनाथ सहजानंद भगवान का मूर्ति लगा हुआ है। ये मूर्ति गुरु नानक देव की, जो सिखों के बहुत बड़े संप्रदाय के अंदर जो बहुत बड़े पैगम्बर हुए गए थे वो गुरु नानक देव है। और हमारे भारत के जो स्वामी विवेकानंद थे, जो बहुत बुद्धिशाली थे, जो शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था, वो स्वामी विवेकानंद जी का भी प्रतिमा इधर रखा हुआ है। और ये भगवान गणेश का जो मूसक है, इनका वाहन, वो भी इधर स्टैचू पे लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, अगली मूर्ति पे चलते हैं। भगवान गणेश का मूसक की मूर्ति मैंने पहली बार किसी मंदिर में देखी। ये भगवान परशुराम, जो ब्राह्मण लोगों के जो बहुत मतलब जो उनको पूजते हैं, उन्हें बहुत आस्था रखते हैं, वो भगवान परशुराम जो गुरुजी बन गए, वो परशुराम उनका मूर्ति लगा हुआ है। और जो झूलेलाल है, वो जो सिंधी लोग आते हैं मैम, वो सिंधी लोग के झूलेलाल भगवान आते हैं, उनका भी इधर प्रतिमा लगा हुआ है। अच्छा, सिंधी लोगों की प्रतिमा यहाँ सिंधी यहाँ मैम सभी लोग है, हर पब्लिक आती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी लोगों के अलग अलग भगवान के सभी जगह प्रतिमाएं लगाई हुई है। ठीक है, आगे बढ़े। ये हमारे गुजरात के सुप्रसिद्ध जो संत बन गए, जो जलाराम बोलते हैं और वीरपुर में है, उनका भी ये प्रतिमा है। उनका जो मतलब उनका पत्नी धर्म पत्नी है वीरबाई, उनका भी इधर प्रतिमा लगाया हुआ है। अगली प्रतिमा ब्रह्मा जी की दिख रही है। ये विश्वकर्मा है, जो विश्वकर्मा भगवान है, जो जिन्होंने सृष्टि बनाई, उनका भी इधर प्रतिमा लगाया हुआ है। ये जो जिसने मंदिर बनाया है ना, उनके मम्मी का और पापा का दोनों का फोटो मतलब उधर प्रतिमा लगाई हुई है। ये मोहन भाई छोटा भाई पटेल है, वो चांगा गाँव के थे, उन्होंने इधर जमीन एक्वायर किया मतलब लिया और फिर उन्होंने ये मंदिर बनाया। उनका मम्मी और पापा का दोनों का फोटो इधर है। ये सूर्य देव की प्रतिमा, हाँ ये सूर्य देव की प्रतिमा है, जो सात घोड़ों पे चलते हुए दौड़ते सूर्यनारायण भगवान है, उसको साक्षात अनुभूति होती है। हम जहाँ इधर आते हैं तो सूर्यनारायण साक्षात हमें दिखते हैं, ये सूर्यनारायण भगवान की प्रतिमा है। ये शिव यंत्र है, ये भगवान शिव का शिवलिंग बनाया हुआ, बहुत ही आह्लादक है। आप आएंगे इधर दर्शन करेंगे तो आपको मन को बहुत शांति होगी। ये भगवान शिव का शिवलिंग है। ये शंकराचार्य जी शंकराचार्य महाराज है, जो जिन्होंने वेद लिखा, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद, इनके प्रणेता यही है। बहुत बढ़िया है उनका, जो आपका आप कहीं पे जाएंगे तो उनका प्रतिमा नहीं दिखेगा, इधर आपको इनका प्रतिमा दिखेगा, बहुत बढ़िया है। ये नवग्रहों की प्रतिमा है। हाँ, ये और इसके आगे हम चले तो शनिदेव। हाँ, आगे आइए तो शनिदेव है। शिला नहीं है, शनि की मूर्ति, शिला भी है, शनिशिला है। अच्छा, हमारे ये है श्री राम जी है, वो स्वर्ण हिरण भी है, मतलब यहाँ जो है वो जानवरों का भी पूरा महत्व दिया गया है। मूषक भी है, स्वर्ण हिरण भी है, हाँ हिरण है, और ये श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण है, नीचे भी राधा कृष्ण की ही मूर्ति है। रणछोड़ जो डाकू जो द्वारिका में थे, वहाँ से वो जो भक्त बोडाना था, वो उसको लेके इधर आया। हर साल वो जाता था, लेकिन एक उनकी अवस्था हो गई, उनसे चला नहीं जाता था बोडाना, तो उन्होंने बोला कि भगवान आप मेरे गांव आइए। डाकोर का पुराना नाम डंगपुर है, भगवान वहां से चलते चलते उधर आए उनके बैलगाड़ी में बैठ के, फिर यह डाकोर में आगे स्थापित हुए। और बहुत महत्व है हमारे यहाँ गुजरात में, कहवत है तो आप पंचतीर्थ
भले जाए, लेकिन लास्ट में तो ठाकुर का दर्शन करना ही पड़ता है, तो आपकी यात्रा पूर्ण होती है ऐसा माना जाता है हमारे गुजरात में, हमारे चरोतर में। अच्छा, ठाकुर में एक बहुत बड़ी यात्रा होती है जो पैदल यात्रा, काफी किलोमीटर, वो जो होली का महत्व, होली आती है ना तब उनको बहुत है, जो धुलेरी आती है उस बहुत बड़ी, उसको पूनम माना जाता है। अच्छा। बहुत यात्रा रुवाते लगभग 10 से 12 लाख पब्लिक उस टाइम आती है। ये महाकाली है जो उसका बहुत बड़ा मंदिर पावागढ़ में है, उनकी प्रतिमा लगाई हुई है, और ये उमिया माता जी जो ऊंचा है, जो पटेल लोग आते हैं काच के, उनकी आद्य शक्ति जो मानते हैं वो उमिया माता है, देवी एक तरह से चामुंडा माता। बहुत बड़ा पुराना मंदिर पाकिस्तान में अभी है, सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान है, तो वहाँ हिंगराज माता की प्रतिमा लगाई हुई है, बहुत बड़ा मंदिर है उधर, हमारे जब लोग वहाँ जाते हैं उनका पूजा अर्चना भी करते हैं, ठीक है। और साइड बाद में है अंबाजी माता, जो हाँ अंबाजी माता जो हमारे अंबाजी जो है वहाँ है, जो बना साबरकांठा में, और ये चामुंडा माता जो चोटीला हमारे गुजरात में ही है, वो सौराष्ट्र के और जाएंगे ना तो चोटीला माता का जो चंड और मुंड का जो वध किया था उसके नाम से उसका नाम चामुंडा पड़ा। यहाँ मैं यही देख रही हूँ कि अवतार के साथ जो है जानवर फिर अलग से उनको महत्व दिया गया इस मंदिर में, जो मुझे ये चीज दिखी है ये बड़ी खूबसूरत है। अब हम बोलते हैं शिक्षा की देवी, जो वो शिक्षा की देवी है, हमें शिक्षा देती प्रदान करती है, उनकी प्रतिमा सुंदर प्रतिमा लगाई हुई है इधर, और साइड में है वो बहुचर माता, हमारे गुजरात में बहुचरा जी करके बहुत बड़ा तहसील पड़ता है, उनमें बहुचर माता का मंदिर, उसका नाम ही बहुचरा जी है, ये जो नाना देवी हमारे गुजरात में जब नाना देवी हाँ, वो चलन बोलते हैं ना, वो नाना देवी ये उसकी मन्नत करते हैं तो जो निर्धन होता है उनको पैसे देते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं यहाँ के पीपल गुजरात के। अच्छा अच्छा, अरे वाह, तो यहाँ भी लाफिंग बुद्धा की बुद्धा की भी है, इसको भी मानते हैं यार, वो भी मानते हैं, वो शुभ माना जाता है लाफिंग बुद्धा को, हमारे यहाँ जो लोग है ना फेंगशुई की वजह से उनको बहुत अच्छा मानते हैं, उनके घर में प्रतिमा रखते हैं, वो कछु आता है उसको भी घर में रखते हैं, दुकान में रखते हैं, उसको धंधे में मतलब बिजनेस में उसको बरकत आती है, मतलब अच्छा पैसा मुनाफा होता है। आशा पूरी मतलब हाँ, जो हमारे जो आसाराम रख के जाते वो ऐसे तो कच्छ के बहुत बड़ा मंदिर है कच्छ में, वो उनका जो प्रतिमा इधर लगाया हुआ है आशा पूरी, हमारे एक मनोकामना मन से जो अच्छा काम लेके जाएंगे तो पूरा होता है, वो पूरा करती है, उसका इसी वजह से उसका नाम आशा पूरा माँ पड़ा। ये यहाँ की है क्योंकि ड्रेस भी वैसी बनाई, हाँ ये प्रतिमा है ना वो जो खोड़ियार माता भावनगर के बहुत बड़े मंदिर है उनका, उनका जो सवारी है वो मगर है, वो मगर में विराजमान करके, जैसे हमारे गणपति का मूसक होता है ऐसे वो खोड़ियार माता गुजरात के है, और उनकी प्रतिमा लगाई है वो, उसके साथ में वो मगर भी है उनका वाहन, ये है तुर्जा भवानी। हाँ अच्छा। ये तुर्जा भवानी है ना वो अम्बी मकाई स्वरूप है, जैसे अलग अलग राक्षसों का नाश करने के लिए उन्होंने जैसे जन्म लिया और जैसे उन्होंने काम किया उस तरफ से उसका नाम ये तुर्जा भवानी पड़ गया। आवारा ही माता है जो गांव के जो मुख्य द्वार पे, द्वारा ही माता का जो कोई शादी करके करने जाता है तो पहले उनका दर्शन करके फिर गाँव से निकलता है, और जो नव जोड़ा आता है फिर उसको गाँव में पहले उसका दर्शन करके फिर गृह प्रवेश करते हैं, पूरे गुजरात शादी के बाद इन्हीं का ही दर्शन किया जाता है, गाँव में होता ही है सब गाँव छोटा या बड़ा लेकिन मंदिर तो होता ही है। ये गायत्री माँ है, पंचमुखी गायत्री, मतलब पंचमुखों वाली माता जी है, जो गायत्री माँ हमें जो गायत्री मंत्र देते हैं उनका जाप करने से हमें बहुत बरकत आती है, धंधे में हो या कोई भी क्षेत्र में आप पढ़ाई करते हो तो उनका मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र बहुत बढ़िया है, आपको सुनने में और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ये गायत्री मंत्र बहुत मतलब सहनशीलता वाली देवी है संतोषी माता। हाँ संतोषी माता तो हम सबका लगभग ऑल ओवर भारत में जानते ही है, बहुत उसका मतलब जो उसका जो व्रत करते हैं तो उनके सब मनोकामना पूर्ण करते हैं वो संतोषी माता का। शीतला माता, जैसे पहले शीतला का रोग आता था तो इनका जो मतलब मन्नत रखते हैं आप तो आपका हर मतलब जो रोग है वो चला जाता है, वो शीतला माता है। ये जो है ना वो बढ़िया देव महाराज है, जैसे महाभारत के युद्ध में भी उनका थोड़ा बहुत नाम है बढ़िया देव महाराज का, ये जो बर्बर देव ने बहुत बड़े थे उनका दड़का अलग हो गया ऐसे उसका सिर का ही पूजन करते हैं हम। ये भाती जी महाराज है जो क्षत्रिय लोग हैं उनके जो उनके उन क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और उन्होंने गायक की रक्षा करने के लिए अपने जो शादी में बैठे थे शादी में से खड़े हो गए और दुश्मन को भगाया था, उनका जो सर कलम कर दिया था उन लोगों ने जो गायलों को ले जाते थे, उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे दी। लक्ष्मी नारायण मंदिर है और लक्ष्मी जी
हमेशा की तरह नारायण के सेवा में। हाँ, जो लक्ष्मी जी है वो नारायण की सेवा पूजा में अर्चना करते हैं, उनको पैर बनाइए, यहाँ ऐसी प्रतिमा बनाई है, बहुत आह्लादक है, बहुत मतलब मनोरंजन आपको अच्छा लगेगा और बहुत सुंदर है। मतलब कई लोगों की धारणा है कि लक्ष्मी जी अगर पैर छूती हैं तो ये स्त्री पे थोड़ा सा अत्याचार जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, नहीं। कहते हैं कि उनके पैर छूने से बरकत होती है, तो पावर जो है वो अभी भी स्त्री के पास ही है, लक्ष्मी जी के पास ही है ज्यादा। पति हमारे परमेश्वर जैसे है, उनकी सेवा करनी चाहिए दोनों, ऐसा नहीं है, दोनों अर्धांगिनी है उनका, जो पति पत्नी का जो है, दोनों को एक मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरों के मतलब दुख सुख दुख में काम आना चाहिए। एक प्रेम भाव, प्रेम भाव का भाव भी है, प्रेम भाव भी। नारायण के पास नारद मुनि तो है और बीच में गंधर्व राज है, मतलब जो गधे के स्वरूप में थे ना भगवान, गंधर्व है, गंधर्व राज। और ये गुरु श्रीमत करुणा, ये संगीत के देव है शायद। हाँ, ये जो करुणा सागर है ना, वो सत केवल में जो धर्म में जो ये संप्रदाय है वहाँ, जो उसका सहरसा है हमारे आनंद के नजदीक में, वहाँ उनका बहुत बड़ा है मंदिर सत केवल का, उनकी प्रतिमा लगाए हुए वहाँ। आपके बजरंग बली है। अच्छा, ये नर्मदेश्वर तो MP के है, अच्छा नर्मदेश्वर शिवलिंग है, वहाँ से जैसे कंकन कंकन में शंकर जैसे हम बोलते हैं, वैसे सभी जगह आप कंकन में आपको जो जो भाव से देखेंगे, जिस भाव से देखेंगे उस तरफ आपको भगवान का प्रतिमा आपको दिखेगी, इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है हर कंकन में हर शंकर है। पीछे शंकर जी का ही वो सारे मूर्तियाँ हैं, शंकर पार्वती शिव शिव शक्ति है, यहाँ गणपति है, यहाँ नंदी है, 151 ज्योतिर्लिंग है, तो ये सारे 151 यहाँ है। 151 है, बाप रे। और यहाँ सब पे लोग जल चढ़ाते हैं। ये देखिए, ये 45 किलो का स्फटिक का शिवलिंग है। समय जल चढ़ाने का सिर्फ सुबह का होता है। हाँ, सुबह का होगा। अच्छा, ये 45 किलो का है जो सामने है, ये है दुधेश्वर महादेव है। हाँ, सभी अलग अलग है, वहाँ महामृत्युंजय महादेव, वो नागेश्वर महादेव, शालिग्राम भगवान है, जो शालिग्राम है वो काशी विश्वनाथ महादेव का शिवलिंग है, त्र्यंबकेश्वर। मतलब हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े मन जो प्रतिमा है शिवलिंग की, आप पूरे भारत में सभी इधर, हाँ जैसे ही बनाए हुए हैं, सभी प्रतीक इधर बनाया हुआ है अलग अलग, आपको जैसे भाव से आप पूजेंगे ऐसा आपको अलग अलग शिवलिंग आपको मिल जाएंगे। एक गाय माता है मैम, वो जो हमारे देवी देवता का गाय माता है। अरे वाह, बहुत सुंदर। खिजड़ी माता, बीच में श्री यंत्र है मार्बल का, असली स्फटिक श्री यंत्र है। ये स्फटिक है, मार्बल का है? हाँ, स्फटिक का है, स्फटिक का है। हाँ, मार्बल का तो होता नहीं वैसे। दुर्गा माता है, ये दुर्गा माता, लेकिन आधा पल्लू, आधा पल्लू इसलिए अभी जो सावन मास है इसलिए उन्होंने लगाया हुआ है, बाकी तो ऐसे प्रतिमा साफ दिखती है। सावन मास में जैसे हमारे जो शिष्टाचार में बोलता है कि पल्लू रखना चाहिए कोई भी औरत, तो जो माता जी है वो भी औरत को है, इसीलिए उनको पल्लू ढक के हाँ दिखाया गया है। जैसे भगवान छपैया से निकले थे तब जैसे विचरण करते थे जंगल में, तब ऐसे उनका जो मतलब ये थे उनका तभी से नाम पड़ा था नीलकंठ वाणी, मतलब नीलकंठ वो जंगल में रहते थे, फिर ऐसे वो ऐसे करके गुजरात में, उनका कर्मभूमि गुजरात में बना है और ज़्यादातर हमारे वड़ताल में, बहुत भगवान ने वड़ताल में खुद अपने हाथों से शिक्षा पत्री लिखी है और आप वहाँ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगा, जो शिक्षा पत्री में जो लिखा है उनको आप मतलब उनका अनुकरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो आप जरूर सुखी होंगे। मतलब इसी के साथ हम लोगों ने मनकामेश्वर की पूरी परिक्रमा करी और हम मनकामेश्वर के सामने खड़े हैं और इसके बाद हम पंडित जी से पूछेंगे कि कामेश्वर जी जो है उनका महत्व क्या है और उसके बारे में हमें पंडित जी बताएंगे अगले वीडियो में।